हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल माय सब निहारंजन नंद। स्टूडेंट्स, आम प्लस टू सेकेंड इयर पिलामानंकर जो ए साम ऑफ लाइफ पोएम थिला से पोएम रे एक्सप्लेनेशन वीडियो कंप्लीट करथिले एवं बुक रे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करथिले। हेले एठी आम से इनविटेशन इंग्लिश वन बुक रो से पोएम रो किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करबा जोटा कि तुम्हार काउंसिल एग्जाम पाई वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिला माने 30% एमसीक्यूज तुम्हार एग्जाम रे आछि। तनु ई वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देख, ए वीडियो तुम पाई बहुत हेल्पफुल हो जाउछि। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ताहले पिला माने एठी क्वेश्चन नंबर 1 रे हमकु कोन कहै छै देखो। क्वेश्चन नंबर 1 रे हमकु कहा गला व्हाट इज ए साम। व्हाट इज ए साम, साम कोन, साम कोन अटे बोली पचारा गला, माने साम रो अर्थ कोन बुझु छ। एठी राइट आंसर कोन हो ना पिला माने, ना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए हाइम। साम रो अर्थ हो जे ए हाइम। हाइम मींस ए होली सॉन्ग, ए प्रेयर, गोटे होली सॉन्ग ही पारे, गोटे प्रेयर हो पारे, गोटे प्रार्थना हो पारे, गोटे पवित्र संगीत हो पारे। ओके, तो जो मैंने ऑप्शन डी कमेंट सेक्शन लिखुच चैट बॉक्स रे, यू ऑल आर राइट, एक्सलेंट आंसर। तो पे देखा को मैंने आडभासली आंसर चैट बॉक्स लिखिक देखिपुछ, मु समस्त कमेंट रीड करुँ चैट बॉक्स रे। एसला क्वेश्चन नंबर 2 पे, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 रे आमको पचराई हु डज द पोएट आड्रेस इन द ओपनिंग लाइन्स अफ द पोएम। यही पोएम रो ओपनिंग लाइन रे, ए साम ऑफ लाइफ पोएम रो, ए साम ऑफ लाइफ कवितार ओपनिंग लाइन रे प्रारंभिक धाड़ी रे कवि क्या आड्रेस करवि क्या उद्बोधित करड्रेस करके ओपनिंग लाइन टा लिखिंट ए साम ऑफ लाइफ रो। तो ये पे सेकेंड क्वेश्चन राइट आंसर कौन हम कमेंट सेक्शन कमेंट कर लिख ल। यस पे तुम समस्त कमेंट देखुची जो मैंने ऑप्शन सी लिखुच, यू ऑल आर एक्सलेंट। तो ये राइट आंसर हम दज हु से लाइफ इज अनरियल, से माने जो माने कहंती कि लाइफ इज अनरियल, जीवन होउछि अवास्तव, कवि से मान को आड्रेस करी ए साम ऑफ लाइफ पोएम रो ओपनिंग लाइन टा लिखी चंती। ओके, ए साम ऑफ लाइफ रो ओपनिंग लाइन टा कवि से मान को आड्रेस कर लिखी चंती जो माने कहंती कि लाइफ इज अनरियल, जीवन होउछि अवास्तव। ओके, एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 3 पिला माने, क्वेश्चन नंबर 3 रे हमको पचरा गला हु से इन मनफुल नंबर्स दैट लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम। को माने मनफुली कहंती, सरफुली कहंती, दुख प्रकाश करी कहंती जे जीवन गोटे शून्य स्वप्न। क्यों माने जीवन गोटे शून्य स्वप्न बोली दुख प्रकाश करी कहंती। एठी राइट आंसर कौन हो पिलाने 3 नंबर रा देखिबा को माने आंसर लिख पाउछ। यस, एक्सलेंट, जो माने ऑप्शन ए लिखुच, यू ऑल आर एक्सलेंट, यू ऑल आर राइट, सामिस्ट। एठी राइट आंसर हो सामिस्ट। तो को माने कहंती कि जीवन होची गोटे एम्प्टी ड्रीम बोली, गोटे शून्य स्वप्न बोली, ना सामिस्ट माने कहंती। ओके, तो एठी राइट आंसर ला 3 नंबर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए। ओके, एबे आसीला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रे हमको पचरा गला हाउ इज ए सॉल्ट दैट इज इनएक्टिव। हाउ इज ए सॉल्ट दैट इज इनएक्टिव, गोटे सॉल्ट किपरी, जो सॉल्ट इनएक्टिव थिबो, जो सॉल्ट निष्क्रिय थिबो, सेही सॉल्ट सेही आत्मा को भलिया। ओके, एठी इनएक्टिव थिबा सोल बा आत्मा को भलिया बोली क्वेश्चन करा है छी। तो 4 नंबर राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, डेड। ओके, सोल एठी कहा होला हाउ इज ए सोल दैट इज इनएक्टिव, निष्क्रिय थिबा आत्मा क्यों भलिया, एठी पिला माने हेबो मृतवत, डेड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, एबे आसीला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रे हम क्वेश्चन पचरा गला अकॉर्डिंग टू द पोएट थिंग्स आर नॉट डैश, कवि अनुजाई जिनस गुड़ाक केमी नुहे। अकॉर्डिंग टू द पोएट थिंग्स आर नॉट डैश, कवि अनुजाई जिनस गुड़िक केमी नुहे। तो ये 5 नंबर राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, व्हाट दे सीम। अकॉर्डिंग टू द पोएट थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कवि अनुजाई जिनस गुड़िक सेमी नुहे जमी प्रतीत होता है, तेनाली 5 नंबर राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, एवं देखा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 रे पिला ने पचरा हिची हाउ इज लाइफ, हाउ इज लाइफ, जीवन केमिति अटे, हाउ इज लाइफ। तो ये पिला 6 नंबर राइट आंसर कौन हम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लिख ल। यस, जो मैंने ऑप्शन ए पिला लिखुच एक्सलेंट, मु समस्त कमेंट रीड करुच जो मैंने ऑप्शन ए लिखुच एक्सलेंट आंसर पिला ने, रियल एंड आर्नेस्ट,
एकथा आम पोएम एक्सप्लेनेशन वीडियो रे देखी थे जो मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवि कि तुम यूट्यूब निहारंजन अंत सर्च करके यार लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो ये पोएम देखिपार तुमको 100% ग्यारंटी दे कह आटलिस्ट थे से वीडियो तुम देखनी तुम केवे किसी भी डाउट ये पोएम रही ओके तुमको एमसीक्यू बहुत इजी लगे तेनाली पाने राइट आंसर कौन है ना हाउ इज लाइफ जीवन केमी अटे ना ये राइट आंसर हम रियल एंड आर्नेस्ट ओके वास्तव एवं सीरियस आर्नेस्ट मीन सीरियस रियल माने होची वास्तव एवं सीरियस जीवन वास्तव एवं सीरियस अटे एबे आसीला क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज नॉट द एम ऑफ लाइफ क्वेश्चन नंबर 7 हमको पचरा गला व्हाट इज नॉट द एम ऑफ लाइफ केउटी जीवन रो लक्ष्य नुहे प्लेन राइट आंसर कौन हम कमेंट सेक्शन कमेंट करी कहिला व्हाट इज नॉट द एम ऑफ लाइफ जीवन लक्ष्य केउटी नुहे बोली पचरा हिची तो ठी राइट आंसर कौन हम ना क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर होची ऑप्शन सी डेथ ओके डेथ इज नॉट द एम ऑफ लाइफ जीवन लक्ष्य मृत्युवरण करबा नहे ओके पिला माने एठी केबे कन्फ्यूजन हबन जदि जीवन लक्ष्य कौन न होबा उचित बोली पचारा जाय तमे लिखिबो डेथ पुनी देखो 8 नंबर क्वेश्चन रे गोटे आउटे क्वेश्चन तमे सेथि में दे दिया गला व्हाट इज नॉट लाइफ्स गोल केउटी जीवन रो लक्ष्य नुहे केउटी जीवन रो लक्ष्य नुहे तो एठी 8 नंबर राइट आंसर कौन हबा ना ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ग्रेव जीवन लक्ष्य समाधि प्राप्त करिवा नुहे जो ऑप्शन डी लिखुछ एक्सलेंट पिलाने ए दीटा क्वेश्चन भितरे कौन कन्फ्यूजिंग वाला पॉइंट अछि देखो एठी एम एम माने भी लक्ष्य गोल माने भी लक्ष्य जदि पचरा जाय व्हाट इज नॉट द एम ऑफ लाइफ केउटी जीवन लक्ष्य नुहे तमे लिखियो डेथ जदि एठी पचरा जाय व्हाट इज नॉट लाइफ्स गोल केउटी जीवन लक्ष्य नुहे एठी लिखियो ग्रेव एठी एम रो अर्थ होछि लक्ष्य गोल माने भी लक्ष्य जे जीवन रो एम कोन बोले आसे क्वेश्चन रे तमे डेथ बोले लिखियो आ जदि जीवन रो गोल कोन बोली जीवन रो केउटी जीवन रो गोल नुहे बोली आसे तमे लिखियो ग्रेव समाधि प्राप्त करबा जीवन रो गोल केउटी नुहे ना ग्रेव समाधि प्राप्त करबा जीवन रो लक्ष्य नुहे आ जदि पचारे व्हाट इज नॉट द एम ऑफ लाइफ केउटी जीवन रो एम नुहे तो लिखियो डेथ बोली पिलान लिखियो ओके बुझियो छि एम आसीले लिखियो डेथ गोल केउटी नुहे आसीले लिखियो ग्रेव ओके कन्फ्यूजिंग हेबार किछ नै एम रो अर्थ होउछि लक्ष्य गोल रो अर्थ भी लक्ष्य किंतु एम आसीला माने लिखिबो डेथ आ गोल आसीला माने लिखिबो ग्रेव ओके एबे पिलान देखिबा क्वेश्चन नंबर 9 नै पछिरा आइछि व्हाट डोज बाइबलिकल एक्सप्रेशन डोस्ट थाउ आर्ट टू डोस्ट थाउ रिटर्नेस्ट सिग्निफाई ए जो बाइबलिकल एक्सप्रेशन गोटे रहिला बाइबलिकल एक्सप्रेशन माने कोन बाइबल रे गोटे लाइन ए जो बाइबल रे गोटे लाइन रहिला डोस्ट थाउ आर्ट टू डोस्ट थाउ रिटर्नेस्ट एहा कोन सिग्निफाई करूची एहा कोन दर्शाउची तो प्लेन 9 नंबर राइट आंसर कोन हबो देखिबा कमेंट सेक्शन कमेंट कर लिखिलो यस जो माने ऑप्शन बी लिखुछ एक्सलेंट मैन इज मोर्टल आमे पढिथिले ना बाइबलिकल एक्सप्रेशन थिला डोस्ट थाउ आर्ट टू डोस्ट थाउ रिटर्नेस्ट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल इट मीन्स वी आर बॉर्न इन डस्ट वी विल डाई इन डस्ट एक कथा मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो डिटेल्स कहि पिला माने तो मोस्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखिनियो बुक रो क्वेश्चन आंसर मु अलग वीडियो दे छी तुम यूट्यूब निहारंजनंद सर्च करके देखनेई परिबो व्हाट इज ऑलरेडी पचरा हितला व्हाट डस बाइबलिकल एक्सप्रेशन डस थाउ आर्ट टू डस थाउ रिटर्नेस सिग्निफाई ई जो बाइबलिकल एक्सप्रेशन रहिला बाइबल रे जो उक्ति रहिला डस थाउ आर्ट टू डस थाउ रिटर्नेस्ट ए लाइन टा कोन दर्शाउची पिला माने ठी राइट आंसर ला ऑप्शन बी जोन ऑप्शन बी लिखिलो एक्सलेंट कि मैन इज मोर्टल कि मनीष होउची मरणशील मैन इज मोर्टल सोल इज इमोर्टल आत्मा होउची अमर मोर्टल माने होउची मरणशील इमोर्टल माने होउची अमर त मैन इज मोर्टल को हा दर्शाउची ओके एबे आसीला क्वेश्चन नंबर 10 रे हमकु पचरा गला व्हाट इज सेड फॉर ओनली द बॉडी एंड नॉट फॉर द सोल व्हाट इज सेड फॉर ओनली द बॉडी केउटी केवल शरीर पई कहि एंड नॉट फॉर द सोल एवं आत्मा पई नहे केउ कथाटी केवल शरीर पई कहि एंड नॉट फॉर द सोल किंतु आत्मा पई कहि प्लेंटी राइट आंसर कौन हम देखा कमेंट सेक्शन कमेंट कर लिखिल 10 नंबर राइट आंसर कौन हम ना यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए लिखुच एक्सलेंट कि डस थाउ आर्ट टू डस थाउ रिटर्नेस्ट ए जो लाइन टा रहिला ओके तो ए लाइन टा कह ए लाइन रे कह जाय छी कि कविता रो ए लाइन रे कह जाय छी कि मनुष्य रो शरीर होउछि मरणशील ओके तो एवं मनुष्य रो शरीर होउछि मरणशील एवं आत्मा होउछि अमर एडी कह आइतला व्हाट इज सेड फॉर ओनली द बॉडी केउ कथाटा केवल शरीर पई कह आइछि किंतु आत्मा पई कह आइनी ए जो धाडीटा रहिला डस थाउ आर्ट टू डस थाउ रिटर्नेस्ट
लाइनटा केवल बॉडी कहुई शरीर कहुई कि आत्मा कहुनि कहीं डस्ट आवर टू डस्ट आवर रिटर्न किए धूली जन्म निए किए धूली मिसी जाए ना शरीर आत्मा केमती हुए एक केवल बॉडी कहुई शरीर कहुई बट नॉट फॉर द सोल आत्मा कहुनि तेणु पिलानी राइट आंसर ऑप्शन ए ओके ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर डस्ट आवर टू डस्ट आवर रिटर्नस्ट यार मीनिंग कौन मुझरेडी एक्सप्लेनेशन भिडियो कही भिडियोटा मोस्ट तुम मैंने देखी नहीं जाओ यहाँ कम्प्लीट हो तो भिडियोटा देखने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ एसला क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 पचरा गला हाउ सुड ए सोल बी गोटे सोल केमी हवा उचित गोटे आत्मा केमी हवा उचित ये राइट आंसर कौन हम पे देखा कौ मैंने करेक्ट आंसर लिखी पार हाउ सुड बी ए सोल गोटे सोल केमी हवा दरकार येस जो मैंने 11 नंबर बी लिखुच एक्सलेंट फुल अफ लाइफ गोटे आत्मा फुल ऑफ लाइफ हवा दरकार जीवन परिपूर्ण हवा दरकार ओके आसला क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 आमको पचरा गला व्हाट सुड नॉट बी आवर डेस्टाइंड वे और गोल क्योंटी आम नियति आम लक्ष्य न होगा दरकार व्हाट सुड नॉट बी आवर डेस्टाइंड वे और गोल मानने के जिनसा आम नियति डेस्टाइंड मान हूँ नियति आम नियति आम लक्ष्य न होगा दरकार क्यों जिनसा आम नियति भाग्य जोड़ा कहते डेस्टाइन मान हूँ नियति और भाग्य क्योंकि आम भाग्य नियति न होगा दरकार आम गोल लक्ष्य न होगा दरकार तो ये पे 12 नंबर राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्लीजर एंड ग्रीफ ओके प्लीजर एंड ग्रीफ अत्यधिक आनंदित हवा कि दुख प्रकाश करवा यह आम नियति भाग्य न होगा दरकार कि आम लक्ष्य न होगा दरकार मान आम तार्थ आम अधिका खुशी होगा कथा नुहे कि अधिक दुख प्रकाश करवा नुहे अधिक दुख प्रकाश करने कथा नुहे कि अधिक खुशी व्यक्त करने कथा नुहे ओके अत्यधिक आनंदित हवा कथा नुहे ओके तेणु आमर डेस्टाइंड वे और गोल कौन न होगा दरकार ना प्लीजर एंड ग्रीफ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओके एबे आसला क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 पिलाने पचरा हेछि व्हाट सुड ए मैन आक्ट हाउ सुड ए मैन आक्ट ये पचार गोटे लोक केमी आक्ट करवा दरकार गोटे लोक केमी कार्य करवा दरकार देखिए को माने राइट आंसर लिख पारछ 13 नंबर राइट आंसर कौन हम यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू मेक हिज फ्यूचर बेटर हाउ सुड ए मैन आक्ट गोटे लोक केमी आक्ट करवा उचित गोटे लोक केमी कार्य करवा उचित एठी राइट आंसर हो ऑप्शन ए टू मेक हिज फ्यूचर बेटर ता भविष्य को बेटर करने तार भविष्य को भल करने गोटे लोक कार्य करवा दरकार भविष्य केमी भल हो पार से गोटे लोक कार्य कर चलवा दरकार एबे आसला क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 रे आमको पचराई हाउ सुड बी ईच टुमरो प्रत्येक आसंता काली केमी होगा दरकार जहाँकि एक्सप्लेनेशन भिडियो पे डिटेल्स कही हाउ सुड बी ईच टुमरो प्रत्येक आसंता काली केमी होगा उचित एटी राइट आंसर कौन देखा मैंने कमेंट करके लिखी पार 14 नंबर राइट आंसर कौन हम यस जो मैंने ऑप्शन बी लिखुच एक्सलेंट कि बेटर दैन टुडे आज ठारू भल हवा दरकार हाउ सुड बी ईच टुमरो प्रत्येक आसंता काली केमी हवा दरकार ना बेटर दैन टुडे आज ठारू भल हवा दरकार प्रत्येक आसंता काली आज ठारू भल हवा दरकार तामाने तुम आज जी भल कम कर भल कर तेणु प्रत्येक आसंता काली आज ठारू भल हवा दरकार एटा आम पढ़ी पे पे तुम जो एमसीक्यू भी ये एमसीक्यू जहाँ मुझे आज देखे तो या को दिन को थे दु थर देखी नहीं जब कंटिन्यूसली विकली थे दु थर देखने वो तुम टोटाल क्वेश्चन आंसर मन रही ओके एबे आसला क्वेश्चन नंबर 15 पचराई व्हाट इज लॉन्ग 15 नंबर क्वेश्चन पचरा गला व्हाट इज लॉन्ग क्यों दीर्घ अटे व्हाट इज लॉन्ग बोली पचरा गला पिलाटी राइट आंसर कौन व्हाट इज लॉन्ग रे तो 15 नंबर राइट आंसर कौन ना ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नॉलेज एंड लर्निंग जो ऑप्शन ए लिखुच यू ऑल आर एक्सेलेंट यू ऑल आर गुड तो व्हाट इज लॉन्ग क्योंटी दीर्घ अटे तो ये आंसर हम पे नॉलेज एंड लर्निंग शिक्षा बा ज्ञान ज्ञान हूँ अपरिमेय बुझे बा लर्निंग आमको बहुत किसी शिखबार अच्छे सो लर्निंग इज लॉन्ग नॉलेज इज लॉन्ग ओके आम ये पढ़ी आर्ट आर्ट इज लॉन्ग आम पॉइम पढ़ी आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लिटिंग माने आर्ट इज लॉन्ग आर्ट मीन्स नॉलेज और लर्निंग आमको बहुत किसी शिखबार अच्छे तो नॉलेज और लर्निंग हूँ लॉन्ग ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए लिखुच यू ऑल आर एक्सलेंट एबे आसला क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 रे आमको पचराई व्हाट डज आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लिटिंग इम्प्लाय
आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लिटिंग ए जो लाइन टा रहिला पोएम रो ए लाइन टा कौन सूचित करुछि ओके पोएम रो ए लाइन टा आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लिटिंग ए लाइन टा कौन सूचित करुछि तो प्लेन 16 नंबर राइट आंसर कौन हबना ना ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यस जो माने ऑप्शन बी ले कुछ कमेंट सेक्शन रे यू ऑल आर एक्सीलेंट कि लाइफ इज शॉर्ट टू एक्वायर एनफ नॉलेज ओके अत्यधिक ज्ञान प्राप्ति करिया पाई जीवन होची संक्षिप्त ओके जीवन होची शॉर्ट तेणु पिला 60 नंबर राइट आंसर कौन हम आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लिटिंग कौन इम्प्लाय करम्प्लाय कर लाइफ इज शॉर्ट टू एक्वायर एनफ नॉलेज ओके प्रचुर ज्ञान प्राप्त करने जीवन बहुत शॉर्ट जीवन होची बहुत क्षणस्थायी ओके एबे आसला क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 रे पिला पचरा गला हाउ आर आवर हार्ट्स आम हृदय केमिति अटे हाउ आर आवर हार्ट्स आम हृदय केमिति अटे तो ये पे राइट आंसर कौन हम देखा कमेंट सेक्शन कमेंट कर लिख लस जो मैंने ऑप्शन सी लिखुच एक्सलेंट स्टॉट इन ब्रेव आम हृदय स्टॉट इन ब्रेव हवा दरकार स्टॉट मीन्स स्ट्रंग शक्तिशाली शक्त ब्रेव मान हूँ साहसिकता भरा आमर हृदय आम हार्ट स्ट्रंग आउ ब्रेव हवा दरकार आम हृदय शक्त एवं साहसिकता हवा दरकार तेणु ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर जो मैं ऑप्शन सी लिखीच यू ऑल आर एक्सलेंट एबे सिला क्वेश्चन नंबर 18 रे आमको पिलाने पचरा गला व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मफल ड्रम व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मफल ड्रम माने कौन बुझीच जोटा कि पोएम पढ़ी मफल ड्रम मफल ड्रम अर्थ पे तुम कौन बुझीच तो ये 18 नंबर राइट आंसर कौन हम पे देखा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख लस जो मैंने ऑप्शन बी लिखुच एक्सलेंट यू ऑल आर गुड यू ऑल आर राइट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मफल ड्रम अर्थ हूँ कवर्ड ड्रम ओके पे मफल ड्रम माने कौन जो फ्यूनल मार्चिंग में जाती शव सत्कार समय जाती क्रिश्चियनिटी ख्रीट ख्रीट धर्म अवलम्बी लोक मैंने मफल ड्रम जो कह जाए गोटे ड्रम को गोटे कपड़े से ढांकिक बाड़े था जहाद्वे कि गोटे सलेम और नबल साउंड क्रिएट हम तेणु कभर ड्रम बोले कहुच्छे कपड़े आवृत थी गोटे ड्रम को मफल ड्रम बोली कहुच्छे ओके पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके तो मफल ड्रम मीनिंग कौन ना कभर्ड ड्रम कपड़ा ढांका जाइए गोटे ड्रम एबे आसला क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 रे कौन अच्छी ना ये पचरा गला व्हाट आर द साउंड्स ऑफ द बीटिंग हार्ट कंपेयर टू स्पंदित होता हृदय को क्या सहित कंपेयर कराई स्पंदित होता हार्ट को क्या सहित तुलना कराई तो ये 19 नंबर राइट आंसर कौन हम ना यस जो मैंने पे कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए लिखुच यू ऑल आर राइट यू ऑल आर एक्सलेंट कि फ्यूनरल मार्चेस बुझी पे कि बीटिंग हार्ट को स्पंदित होता हृदय शब्द को पे फ्यूनरल मार्चे सहित तो कंपेयर कराई ओके कि स्पंदित हृदय शब्द को क्या सहित तुलना कराई ना फ्यूनरल मार्चेस फ्यूनरल मार्चेस मैंने कौन शव सत्कार समय जीवा गला बेलू जो मार्चिंग करके लोक मैंने जाती ड्रम बजे कि कहुच फ्यूनरल मार्चेस कहुच्छे तो स्पंदित होता हृदय शब्द को फ्यूनरल मार्चेस सहित कंपेयर कराई शव सत्कार समय जाऊ शोभा सहित तुलना करके एबे आसला क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 रे पिलाने पचराई भिड को तुम दी तीन थर देखनी तुम टोटाल डाउट ही क्लीयर हो 20 नंबर क्वेश्चन में कहुई व्हाई आर हार्ट बीट्स कंपेयर टू फ्यूनरल मार्चेस कहीं हार्ट बीट को फ्यूनरल मार्चेस सहित कंपेयर कराई हार्ट बीट को कहीं फ्यूनरल मार्चेस सहित पे कंपेयर कराई तो 20 नंबर राइट आंसर कौन हम ना देखा कमेंट सेक्शन में कमेंट को लिख ल यस ऑप्शन सी जो ऑप्शन सी पे कमेंट कर यू ऑल आर एक्सलेंट यू ऑल आर राइट ओके व्हाई आर हार्ट बीट्स कंपेयर टू फ्यूनरल मार्चेस कहीं हृदस्पंदन को फ्यूनरल मार्चेस सहित कंपेयर कराई तुलना कराई शव सत्कार समय जाऊ शोभा सहित कहीं हृदस्पंदन को तुलना कराई ना ऑप्शन सी पे राइट आंसर हम ना कौन बिकज विथ ईच बीट कारण प्रत्येक स्पंदन सहित दे इंच अस टुवर्ड्स डेथ से मृत्यु आड़ को अग्रसर हूँ मृत्यु आड़ को एक इंच अग्रसर होता ओके तेणु पे हार्ट बीट को फ्यूनरल मार्चेस सहित शव सत्कार समय शोभा सहित कंपेयर कराई कहीं प्रत्येक स्पंदन सहित से मृत्यु आड़ को गोटे इंच अग्रसर होता ओके जो मैंने ऑप्शन सी लिखुच यू ऑल आर एक्सलेंट यू ऑल आर राइट
देखिए पे कौ मैंने आडभांस आंसर कमेंट सेक्शन कमेंट को लिखी पार चार्ट बॉक्स रे पे चार्ट करके लिख एवं आसा 21 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन आमको पचरा गला व्हाट डज द पोएट कंपेयर द वर्ल्ड विथ कवि वर्ल्ड को कवि विश्व को क्या सहित कंपेयर कर सहित तुलना कर देखा कौन राइट आंसर लिखि पार यस जो मैंने ऑप्शन बी लिखुच एक्सलेंट पे यू ऑल आर राइट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ए ब्रॉड बैटलफील्ड प्रशस्त युद्ध क्षेत्र ओके कवि वर्ल्ड को कवि विश्व को गोटे प्रशस्त युद्ध क्षेत्र सहित कंपेयर कर गोटे प्रशस्त युद्ध क्षेत्र सहित तुलना करेणु ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके एबे आसा क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 रे आमको पचरा गला व्हाट डज द पोएट से अबाउट लाइफ कवि जीवन विषय कौन कही कवि जीवन विषय कौन कही तो पे 22 नंबर राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जो ऑप्शन ए लिखुच यू ऑल आर एक्सलेंट किए टेम्पोरारी कैंप ओके जीवन को कवि गोटे टेम्पोरारी कैंप बोली कही आम जमी पढ़ी से पॉइम गोटे स्टांजा था इज दुटा लाइन रहा इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द विवोक ऑफ लाइफ बी नॉट लाइक ए डम ड्रिवन कैटल बी ए हीरोइन स्ट्राइव ये स्टांजर आम एक्सप्लेनेशन वीडियो पढ़ते कि ये पे वर्ल्ड को गोटे बैटल फिल्ड सहित कंपेयर कराई और जीवन को गोटे क्षणस्थायी कैंप सहित विभोक सहित कंपेयर कराई विभोक मानने कौन विभोक मीनस ए टेम्पोरारी कैंप ओके जीवन को गोटे विभोक सहित कंपेयर कराई मानने गोटे टेम्पोरारी कैंप सहित कंपेयर कराई गोटे क्षणस्थायी कैंप सदृश युद्ध क्षेत्र में क्षणस्थायी कैंप सब थाए सैन्य मान कैंप तो जीवन को सैन्य मान टेम्पोरारी कैंप क्षणस्थायी कैंप सहित तुलना कराई ओके पिलाने एबे आसा क्वेश्चन नंबर 23 रे आमको पिलाने क्वेश्चन करागला व्हाट डज द वर्ड विभोक मीन विभोक वर्ड रो अर्थ कौन व्हाट डज द वर्ड विभोक मीन विभोक शब्दर अर्थ कौन बोली पिलाने पचरा गला 23 नंबर राइट आंसर इज ऑप्शन डी ए टेम्पोरारी कैंप तो विभोक शब्दर अर्थ होची ए टेम्पोरारी कैंप गोटे क्षणस्थायी कैंप ओके विभोक शब्दर अर्थ हो टेम्पोरारी कैंप गोटे क्षणस्थायी कैंप पिलाने ओके जो मैंने ऑप्शन डी लिखुच यू ऑल आर राइट यू ऑल आर एक्सलेंट एबे आसा क्वेश्चन नंबर 24 पे क्वेश्चन नंबर 24 रे पचराई हाउ सुड वी बी इन द बैटल ऑफ लाइफ हाउ सुड वी बी इन द बैटल ऑफ लाइफ जीवन बैटल रे जीवन संघर्ष रे जीवन युद्ध रे आम केमी हवा उचित हाउ सुड वी बी इन द बैटल ऑफ लाइफ जीवन युद्ध रे आम केमी हवा दरकार तो 24 नंबर राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ए हीरो जीवन युद्ध रे आम गोटे हीरो हवा दरकार आम गोटे वीर हवा दरकार हाउ सुड वी बी इन द बैटल ऑफ लाइफ जीवन संग्राम रे आम गोटे हीरो हवा दरकार आम गोटे वीर हवा दरकार एबे आसा पे क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 रे पे पचारि हु आर डम ड्रिवेन कैटल क्यों मानी मुख एवं अन्य मान द्वारा परिचालित होता गाई गोरु अटंती हु आर डम ड्रिवेन कैटल क्यों मानी मुख एवं अन्य मान द्वारा परिचालित होता गाई गोरु अटंती तो पे 25 नंबर राइट आंसर कौन हम ना यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी लिखुच यू ऑल आर एक्सलेंट यू ऑल आर राइट कि दोज हु डोंट एक्ट जो मैंने काम करती ना ओके तो हु आर डम ड्रिवेन कैटल क्यों मानी मुख एवं अन्य मान द्वारा परिचालित होता गाई गोरु अटंती ना दोज हु डोंट एक्ट से माने जो मैंने कार्य करती ना से डम ड्रिवेन कैटल बोली कहुई जो मैंने अलसुआ हो पड़ रही था किसी कम करती दे ऑल आर डम ड्रिवेन कैटल एठी से कौन कहुई डम ड्रिभेन कैटेल बोली कहुई मुक एवं अन्य मान द्वारा ड्रिभेन मान कौन अन्य मान द्वारा परिचालित होता कैटेल गाई गोरु कहुई ओके कम करूनवा लोक मैंने लेजी मैन को डम ड्रिभेन कैटेल बोली कहुई मुक एवं अन्य मान द्वारा परिचालित होता गाई गोरु कहुई क्लीयर तो पे यही भाव में 25 क्वेश्चन आम कम्प्लीट कले एमसीक्यूज नेक्स्ट भिडियो आउ 25 आम कम्प्लीट करवा तो एमती 50 एमसीक्यूज ये चैप्टर इंपोर्टेंट अच्छी भितर ही तुम एमसीक्यू पे क्वेश्चन आसव तुम एग्जाम पे गुड़ा बहुत हेल्पफुल जो मैंने पार ये भिडियो को थोड़े दी थोड़े देखने और जो मैंने यार एक्सप्लेनेशन भिडियो आउ ए साम ऑफ लाइफ बुक क्वेश्चन आंसर देखे मुझे सेपरेटली दुटा अलग अलग भिडियो आम चैनल देती तुम यूट्यूब निहारंजन सर्च करके देखने पार कि ट्राए करी डिस्क्रिप्शन लिंक देवाई ओके
ओके ठीक अच्छे पे थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। जो मैंने वीडियो को लाइक करना कथा लाइक कर दियो, और तुम फ्रेंड मान सहित अधिक अधिक शेयर कर।